बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको तीन ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इनमें जो पहला ऑपरेटर है, ये कहलाता है एंड ऑपरेटर, जो कि कीबोर्ड पर मौजूद इस 7 की के ऊपर मौजूद है। जब आप इस बटन को दो बार प्रेस करते हैं तो आप जिस ऑपरेटर को बनाते हैं वो कहलाता है एंड ऑपरेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है वो कहलाता है और ऑपरेटर। दोस्तों, इस बैक स्लैश के ऊपर जो आपको वर्टिकल बार नजर आ रहा है, जब आप अपने प्रोग्राम में इस बार को दो दफा लिखते हैं तो जो ऑपरेटर आपके सी लैंग्वेज में बनता है वो कहलाता है और ऑपरेटर। और तीसरा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम में मौजूद किसी भी कंडीशन के आगे ये 1 के ऊपर मौजूद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं तो ये कहलाता है नॉट ऑपरेटर। अब दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि एंड ऑपरेटर कैसे दिखता है और ऑपरेटर कैसे दिखता है और नॉट ऑपरेटर कैसे दिखता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कब किया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, और रिलेशनल ऑपरेटर्स तब यूज किए जाते हैं जब कभी भी आप किसी दो चीजों के दरमियान का रिलेशन मालूम करना चाह रहे होते हैं। और वहां हमने एग्जांपल देखी थी दो बॉक्सेस की, कि ये दो बॉक्सेस हैं और इन दो बॉक्सेस के दरमियान अगर आप रिलेशन मालूम करना चाहते हैं कि क्या बॉक्स 1 बड़ा है बॉक्स 2 से, तो यहाँ हम यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को। यानी यहाँ पर हमने इस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया है क्योंकि हम इन दो बॉक्सेस के दरमियान रिलेशन मालूम करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मान लें अब हम इन दो बॉक्सेस के बजाय तीन बॉक्सेस के दरमियान का रिलेशन मालूम करना चाह रहे हैं, तीन बॉक्सेस के दरमियान कंपेरिजन करना चाह रहे हैं। यानी अब मैं ये तो मालूम करना चाह रही हूँ कि क्या बॉक्स 1 बड़ा है बॉक्स 2 से, लेकिन साथ के साथ ये भी मालूम करना चाह रही हूँ कि क्या बॉक्स 1 बड़ा है बॉक्स 3 से। यानी मैं ये दोनों कंडीशंस एक साथ चेक करना चाह रही हूँ। तो अब इन कंडीशंस के दरमियान में मैं जिस ऑपरेटर को यूज करूंगी, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। और डियर फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन देखिए। द लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू इवैल्यूएट मोर देन 1 कंडीशंस। यानी जब कभी भी आप एक से ज्यादा कंडीशंस को एवेलुएट करना चाहते हैं, उनका रिजल्ट मालूम करना चाहते हैं, तो उन कंडीशंस के दरमियान आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेंगे, ये पहले चेक करेंगे कंडीशन 1 को, फिर चेक करेंगे कंडीशन 2 को, और उन दोनों कंडीशंस के रिजल्ट के बिहाफ पर ही आपको रिजल्ट देंगे। और वो रिजल्ट भी या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। यानी जिस तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा 1 या फिर 0 आता है, ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिजल्ट भी हमेशा 1 आएगा या फिर 0 आएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, जब कभी भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं, तो वहां हमें रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 1 और 0s की फॉर्म में ही मिलता है। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में भी हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस पर ही काम कर रहे होते हैं, इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर भी हमेशा, याद रखिए, आपको या तो 1 रिटर्न करेंगे या फिर 0 रिटर्न करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरह अपनी स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं, यानी आइए इनका सिंटैक्स देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। और दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी दो कंडीशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन दोनों कंडीशंस के दरमियान इस तरह के दो सिंबल्स यूज करने होंगे, जो कि कहलाते हैं ampersand सिंबल। इसी तरीके से अगर आप, इसके बाद आता है और ऑपरेटर, और इसी तरीके से अगर आप किसी दो कंडीशंस के दरमियान और ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप उन दोनों कंडीशंस के दरमियान इस तरह का वर्टिकल बार यूज करेंगे। अब ये वर्टिकल बार काम किस तरह करते हैं, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखिए कि आप इनको अपनी स्टेटमेंट में इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनका सिंटैक्स क्या होता है। और आखिरी ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। दोस्तों, नॉट ऑपरेटर ऊपर बताई जाने वाली दोनों ऑपरेटर से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके लिए दो कंडीशंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि
आप सिंगल कंडीशन पर नॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं इस तरह से कि पहले आपने कंडीशन लिखी, जैसे आपने कंडीशन लिखी B1 इज ग्रेटर देन B2 और उसके आगे आपने लगा दिया नॉट ऑपरेटर। तो अब कंपाइलर इस कंडीशन को पहले एवलुएट करेगा और जब जो भी इस कंडीशन का रिजल्ट होगा, यानी जो भी इस कंडीशन को एवलुएट करने पर रिजल्ट आएगा उस पर नॉट ऑपरेटर लगाएगा। अब ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा उसको उलट कर देगा, यानी अगर इस कंडीशन को एवलुएट करने पर रिजल्ट आता है ट्रू तो उसको कर देगा ये फॉल्स, और अगर आता है इस कंडीशन को एवलुएट करने पर रिजल्ट फॉल्स तो उसको ट्रू कर देगा। विच मीन्स कि अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, मान ले B1 जो है वो है 10 और B2 है 5, तो ये चेक करेगा कि क्या 10 बड़ा है 5 से, तो इसको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा दिया, इस तरह का एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, तो अब यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ये जो नॉट ऑपरेटर है ये आपकी कंडीशन का जो रिजल्ट आता है उसको बिल्कुल उलट कर देता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने ये तो जान लिया कि नॉट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, लेकिन आइए अब देखते हैं कि एंड और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के दोनों साइड्स पर कंडीशन होती है, यानी अगर हम एंड और की बात करें तो इन दोनों के आपको लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दो कंडीशंस नजर आएंगी। तो अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट डिपेंड करता है तमाम कंडीशंस के ट्रू होने पर। यानी अगर आप यहाँ देखिए तो एंड ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पर भी आपको एक कंडीशन नजर आ रही है और राइट हैंड साइड पर भी आपको एक कंडीशन नजर आ रही है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न करेंगी, यहाँ से भी इसको ट्रू आंसर मिलेगा और यहाँ से भी इसको ट्रू आंसर मिलेगा, तो तभी आपको एंड ऑपरेटर का रिजल्ट भी ट्रू ही मिलेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, मान ले कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स रिटर्न करती है और कंडीशन 2 जो है वो ट्रू रिटर्न करती है, तो तब भी एंड ऑपरेटर का रिजल्ट आपको फॉल्स ही मिलेगा। यानी एंड ऑपरेटर का रिजल्ट अगर आप ट्रू चाहते हैं तो एंड ऑपरेटर के बोथ साइड पर जो कंडीशंस हैं उनका रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए, और अगर किसी एक भी कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो एंड ऑपरेटर का ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा। दोस्तों, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि दो फ्रेंड्स हैं आई और जे जो कि फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। तो फुटबॉल मैच में एक एंड रूल लगाया गया है जिसके जरिए जब तक आई और जे दोनों एक साथ गोल नहीं करेंगे तब तक उन्हें पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस रूल को देखें, यानी अगर हम इस रूल को ट्रुथ टेबल के जरिए देखें, तो ये हो गया आई और ये हो गया जे, और ये जो आपको आर नजर आ रहा है ये है वो पॉइंट्स जो कि उनको गोल करने पर मिलेंगे। अब अगर दोस्तों पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आई ने भी गोल कर लिया और जे ने भी गोल कर लिया, तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उन लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों एक साथ गोल करेंगे तो ही इनको पॉइंट मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आई ने तो गोल कर लिया लेकिन जे ने गोल नहीं किया, तो अब क्या होगा, अब इनको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इनको 0 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि पॉइंट मिलने के लिए जो कंडीशन लगाई गई है वो ये कंडीशन है कि दोनों का रिजल्ट, दोनों को जो है एक साथ गोल करना है। अब दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आई ने तो गोल नहीं किया लेकिन जे ने गोल कर लिया, अगर ऐसा होता है तब भी इनको किसी किस्म का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और चौथी कंडीशन तो सिंपल है कि आई ने भी गोल नहीं किया और जे ने भी गोल नहीं किया, तो अब इनको पॉइंट मिलेगा ही नहीं। और डियर फ्रेंड्स, ये कहलाता है एंड का ट्रुथ टेबल, जिसके तहत अगर तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी तब ही आपको आपका रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन अगर कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो दोस्तों, एक प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर हमने एक इंटीजर लिया है, एक वेरिएबल लिया है a, जिसकी टाइप है इंटीजर, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 3। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ, याद रखिए हम इफ एल्स को आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इफ के अंदर अगर इसको यहाँ से ट्रू मिलता है तो ही ये अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को रन करता है, अदरवाइज ये
यहाँ से यानी इफ के ब्लॉक से बाहर आ जाता है। तो अगर इसको यहाँ से ट्रू मिलेगा तो ही ये प्रिंट करेगा ऑल द कंडीशंस रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कई सारे रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल कंडीशंस यूज की हैं। ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल्स टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है, इस तरीके से लेस देन एंड ग्रेटर देन। और इन कंडीशंस के दरमियान हमने यूज किए हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज किया है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो ये पूछ रही है कि क्या यहाँ पर ए जो है वो 3 है, तो क्या 3 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर क्या रिटर्न आएगा, यहाँ पर इसको मिलेगा 1, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 जो है वो 3 के बराबर है। इसी तरीके से अब दूसरी कंडीशन देखिए, क्या ये पूछ रहा है कि 3 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 4 है, यानी 3 4 के बराबर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर भी इसको ट्रू मिलेगा क्योंकि 3 4 के बराबर नहीं है। इसके बाद ये तीसरी कंडीशन है कि क्या 3 जो है वो लेस देन 56 है, यहाँ भी इसको ट्रू मिलेगा क्योंकि वाकई में जो नंबर 3 है वो छोटा है 56 से। और आखिरी कंडीशन है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी इसको ट्रू मिलेगा, विच मींस कि इसको तमाम कंडीशंस ट्रू मिलेंगी, इसीलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको अगर यहाँ पर ट्रू मिलता है तो ही ये अपने अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को रन करता है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट को रन करेगा कि ऑल द कंडीशंस रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज जानी कि एंड ऑपरेटर में जब तक तमाम कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती, जब तक ये तमाम कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती, तब तक आपको इसका रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा। रिजल्ट ट्रू होने के लिए जरूरी है कि तमाम कंडीशंस ट्रू हो, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा यानी 0 मिलेगा। तो दोस्तों एंड के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। दोस्तों एंड ऑपरेटर की तरह और ऑपरेटर्स के भी बोथ साइड जो है वो कंडीशन लगी होती है, तो अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो और आपको रिजल्ट देगा ट्रू, यानी और आपको रिजल्ट देगा 1। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि तमाम कंडीशंस ट्रू हो, बल्कि अगर तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो और का रिजल्ट जो है आपको ट्रू मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, और रिटर्न्स ट्रू व्हेन वन और मोर देन वन कंडीशन इज ट्रू, यानी अगर जब कभी भी एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू होगी तो जो और है वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स होंगी, तमाम कंडीशंस गलत होंगी, तब जाकर ही और ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और दोस्तों इसके मिसाल भी हम पुरानी वाली मिसाल की तरह लेते हैं कि वही आई और जे दो दोस्त हैं और दोनों ही फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन इस बार मैच में एंड के बजाय और का रूल लगाया गया है, विच मींस के पॉइंट लेने के लिए आई और जे दोनों का एक साथ गोल करना लाजमी नहीं है, बल्कि दोनों गोल कर लेंगे तब भी उन्हें पॉइंट मिल जाएगा, और अगर कोई एक गोल कर लेगा तब भी उन्हें पॉइंट मिल जाएगा। और ये इसका ट्रुथ टेबल देखिए, यह है आई और यह है जे, तो अगर दोनों गोल कर लेंगे तब भी उन्हें पॉइंट 1 मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई एक भी गोल करता है, यानी आई ने गोल कर लिया लेकिन जे ने गोल नहीं किया, तो तब भी उनको पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आई ने तो गोल नहीं किया लेकिन जे ने गोल कर लिया, तब भी उन्हें पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों ही गोल नहीं करेंगे तब जाकर उनको पॉइंट नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि व्हेन वन और मोर देन वन कंडीशन ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू, बट व्हेन ऑल द कंडीशन इज फॉल्स, यानी आई ने भी गोल नहीं किया और जे ने भी गोल नहीं किया, देन और ऑपरेटर्स रिटर्न फॉल्स और ऑपरेटर रिटर्न्स 0। अब दोस्तों इसका ये प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर हमने एक इंटीजर लिया है पुराने वाले इंटीजर की तरह ए, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 5। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि आई अपने ब्लॉक के अंदर तब जाता है जब उसको यहाँ से ट्रू मिलता है, सॉरी आई बोल रही हूँ मैं, इफ अपने ब्लॉक में तब जाता है, अपने इन ब्लॉक्स में मौजूद स्टेटमेंट्स को तब प्रिंट करता है जब इसे यहाँ से ट्रू मिलता है। तो अब दोस्तों हम पहले कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या ए जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो 5 के बराबर है, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर इसके दरमियान एंड ऑपरेटर है। दूसरी कंडीशन है कि क्या 5 जो है वो बराबर है 6 के, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगी क्योंकि 5 बराबर नहीं है 6 के। तीसरी कंडीशन है कि क्या 5 बड़ा है 56 से,
ये भी कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 बड़ा नहीं है 56 से। और आखिरी कंडीशन है कि क्या 5 बड़ा है 4 से, यहाँ पर इसको मिलेगा ट्रू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि और ऑपरेटर में अगर आपको तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू मिलती है तो आपको जो रिजल्ट आएगा और ऑपरेटर का वो ट्रू आएगा, 1 आएगा। और इफ के लिए आपको यहाँ पर 1 का होना जरूरी है, ट्रू का होना जरूरी है, तभी आप अपने रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं, इफ की स्टेटमेंट्स को रन करवा सकते हैं। तो और ऑपरेटर इस तरह से काम करता है जिसके अंदर तमाम कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1। लेकिन अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स होंगी, तमाम कंडीशन का रिजल्ट 0 आएगा, तब ही आपको और का रिजल्ट भी 0 मिलेगा। और आखिर में हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। दोस्तों नॉट ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन इज फॉल्स एंड रिटर्न फॉल्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। यानी नॉट ऑपरेटर कुछ नहीं है, जो भी आपकी कंडीशन का रिजल्ट आता है ये उसको उलट कर देगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट आता है फॉल्स तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन का रिजल्ट आता है ट्रू तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल देखिए कि अगर यहाँ पर जे की जगह आर होगा कि अगर आपकी कंडीशन का रिजल्ट आ रहा है 1 तो ये 0 कर देगा, और अगर 0 आ रहा है तो ये उसको उलट कर देगा यानी 1 कर देगा। अब दोस्तों इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक वैसा ही इंटीजर लिया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 5। अब यहाँ पर ये इफ के ब्लॉक में कंडीशन को चेक कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि क्या ए बराबर है 6 के, और ए में आप जानते हैं कि 5 मौजूद है। तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 बराबर है 6 के। तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 5 6 के बराबर नहीं है। अब क्योंकि इसके आगे आप देख सकते हैं कि नॉट ऑपरेटर लग गया है, तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जो भी आपकी कंडीशन का रिजल्ट आया है उसको उलट कर देगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आया था 0 यानी फॉल्स, तो इसको उलट कर देगा यानी उसको ट्रू कर देगा। पर दोस्तों आप जानते हैं कि इफ के इस ब्लॉक में अगर उसको ट्रू मिलता है तभी ये अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर जाता है, अदरवाइज ये बाहर रहता है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर जाएगा और रिजल्ट में प्रिंट करा देगा रिजल्ट इज ट्रू। तो दोस्तों ये थे एंड और नॉट ऑपरेटर। तो दोस्तों वक्त की कमी के बाइस हमें अपने लेक्चर को यहीं रोकना होगा। अगले लेक्चर में हम इन तमाम ऑपरेटर्स के आपको प्रोग्राम्स बनाना सिखाएंगे कि आप इन तमाम ऑपरेटर्स को किस तरह से अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर एक कंडीशन के अंदर एंड ऑपरेटर भी आ रहा है, नॉट ऑपरेटर भी आ रहा है और ऑपरेटर भी आ रहा है, तो फिर आपको किसको पहले सॉल्व करना है, किसको पहले एवेलुएट करना है, यानी प्रेसिडेंस वगैरह भी बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।